जी नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार का दिन है 24 मार्च 2018। आइए जानते हैं आज किस तरह का मार्गदर्शन हम सबके लिए प्राप्त। मेष राशि वालों की अपनी मेहनत उतनी मजबूत नहीं है, पर हालात फिर भी आपकी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐसा आशीर्वाद है जो आपको लोगों से प्राप्त है। लोगों की दुआओं में बहुत असर होता है जो आपके बिगड़े काम भी बना सकता है। वृषभ राशि वालों का लोगों से तालमेल बिगड़ रहा है और उसका बुरा असर आपके कामकाज पर भी आ सकता है। अगर विचार ही नहीं मिलेंगे तो अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भी अपने लिए कोई नुकसान की स्थिति ना बनने दें। मिथुन राशि वालों के लिए रिश्तों से जुड़े उतार चढ़ाव को संभालना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हालात ही कुछ ऐसे बने हुए हैं जिसमें आपने गलतियाँ की हैं। अपनी कमियों को सुधारना बहुत ज़रूरी होगा ताकि घर परिवार में ताल्लुकात संभले रहें। कर्क राशि वालों ने अपने मन में कुछ ऐसी परेशानियां बना रखी हैं जिसका सीधा असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। अगर आप ही अपने कदम पीछे हटा लेंगे तो रिश्तों को संभालना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भी अपनी परेशानियों को संभाले रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। सिंह राशि वालों के लिए हालात कई तरह से मददगार हैं और रिश्तों को संभाले रखने में आपकी मदद भी कर रहे हैं। फिर भी बहुत सारा ऐसा उतार चढ़ाव है जिसका आपको सामना तो करना ही पड़ेगा। ऐसे में रिश्तों को मधुरता से संभाले रखने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। कन्या राशि वालों के लिए घर परिवार में रिश्तों की अहमियत बहुत है, पर आपके सामने परेशानियां भी बहुत हैं। आप अपनी सूझबूझ से बहुत कुछ संभालना चाह रहे हैं और वही सूझबूझ इस समय आपका साथ नहीं दे पा रही। तुला राशि वाले ही समझ लें कि इस समय कोई भी ऐसा रास्ता अपनाना ठीक होगा जो आपसे मेहनत करवा ले और आपकी अच्छाई को उभार दे। वैसे भी ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें अपनी तकदीर से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है क्योंकि उसमें आपकी मेहनत लगी हुई है। कामकाज से जुड़े हालात भी ठीक है क्योंकि आपके अंदर कुछ बेहतर करने की प्रेरणा जगी हुई है। ये सारी बातें आपको एक एक करके मदद कर रही हैं। धनु राशि वालों के लिए मिले जुले हालात हैं, आमदनी के साधन भी बने हुए हैं और खर्चे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो आशीर्वाद के रूप में आपकी मदद ही कर रहा है। मकर राशि वालों को दूर स्थान के विकल्प बहुत अच्छे लग सकते हैं, पर फैसले फिर भी बहुत ध्यान से ही करने होंगे। एक कदम आगे बढ़कर दो कदम पीछे हटाने से भी बचना होगा। वैसे भी ये नुकसान भरा समय है, इसलिए हर कदम बहुत ध्यानपूर्वक ही आगे रखना होगा। कुंभ राशि वालों को काम से भी लाभ मिल रहा है और आपकी मेहनत भी सफल हो रही है। आपकी इच्छाओं के अनुरूप बहुत कुछ ऐसा है जो आपको हर तरह से मदद ही कर रहा है। फिर भी मन में अगर कोई खटका है तो संभल कर चल लें। मीन राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े हालात बहुत अच्छे हैं क्योंकि उसमें परिस्थितियां आपके अनुकूल बनी हुई हैं। पैसा भी आ जाएगा और पैसा सही दिशा में लगेगा भी, जिसका आगे चलकर आपको और ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। ये था जी आप सबके लिए आज का राशिफल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर रोज़ की तरह मुझसे आज भी जुड़ने के लिए। नमस्कार।